ठीक है इज़ वेलकम आपका नव यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग स्टाइल्स तो आज संडे है और सदर बाज़ार लग चुका है तो चलेंगे आज सदर बाज़ार पर अभी वेडिंग सीजन भी खत्म हो गया है सारे फेस्टिवल्स ओवर हो गए हैं लेकिन अभी बचा है क्रिसमस और न्यू ईयर तो पटरी बाज़ार में न्यू ईयर और क्रिसमस का क्या कलेक्शन है वो आपको दिखाते हैं और इस टाइम सदर बाज़ार के हालात भी कैसे हैं वो भी आपको दिखाते हैं तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं तो हम सदर बाज़ार पहुंच गए हैं और वहाँ से मेट्रो से एग्जिट करने के बाद हमने बैटरी रिक्शा ले लिया है हमें काफ़ी लेट हो गया था तो भीड़ काफ़ी बढ़ गई थी बट आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना एंड में एक ट्विस्ट है जो कि आपको बहुत हेल्पफुल होगा सबसे पहले क्रिसमस का ये वाला स्टॉल मिला यहाँ पे क्रिसमस से रिलेटेड सारा ही स्टफ था आप गिफ्टिंग पर्पस से भी और डेकोरेशन पर्पस से भी ले सकते हो जिनके पास ट्रीज थे ट्रीज में आप ये वैरायटी देख सकते हो वन फिफ्टी रुपीज़ ईच ट्री के अकॉर्डिंगली था और ट्री में ज़्यादा वेराइटी नहीं थी बॉल्स के अंदर ये वाला पैक था जो कि फोर्टी रुपीज़ पर पैक के हिसाब से था चार कलर में बॉल्स थी वही उसी के साथ में थ्रेड वाली बॉल्स थी इसमें क्वान्टिटी ज़्यादा थी और इसके आगे कलेक्शन देखा तो ये ड्रम्स वगैरह का सेट था फिफ्टी रुपीज़ पैक इसके अंदर छोटा एंड बड़ा साइज सेम प्राइज़ में था उसके बाद ये नॉर्मल स्टार थे प्लास्टिक वाले सिक्सटी रुपीज़ का पैक था आई डोंट नो वाई मुझे काफ़ी कॉस्टली लगा बट खैर यही था जो था और ये गिफ्टिंग पर्पज से कोई लेता है तो टू हंड्रेड रुपीज़ का ये पूरा पैक था ये आर्ट एंड क्राफ्ट के पर्पज़ से था ये वाला मेटल में थे तो ये बॉक्स कॉस्टली था एटी रुपीज़ का पर बॉक्स था स्टार एंड बॉल वहीं बेल्स में देखते हैं तो कुछ हैंगिंग में सेम प्राइस में ये वाली बेल्स थी इसमें कलर्स की भी आपको वेराइटी बहुत मिल रही थी फिर मैरी क्रिसमस जो हम डोर पर हैंग कर सकते हैं सिक्सटी रुपीज़ का ये वाला पैक था और इस टाइप में कुछ कैंडीज थी यानी कि क्रिसमस से डेकोरेशन से रिलेटेड बहुत सारा स्टफ था स्टार्टिंग में आपको दिखाया आप कहाँ से ख़रीद सकते हो होल ये ही टू हंड्रेड का पूरा पैक ले सकते हैं मतलब इसमें आप सिंगल सिंगल करके ही सेल करोगे वहीं बिग टॉफ़ीज़ हंड्रेड रुपीज़ का पैक था ये कि मुझे बहुत क्यूट लगी इसके अलावा अगर आप ऐसे डेकोरेशन के लिए लड़ी देखते हो तो ट्वेंटी फाइव फोटी रुपीज़ पर पीस के हिसाब से अलग अलग तरह की लड़ी थी इनके पास ड्रेसेस का कलेक्शन भी था जीरो से छ महीने के बच्चे की सौ रुपये की ड्रेस थी और उसके ऊपर वन ट्वेंटी और इनके पास बड़े साइज़ेस वग़ैरह भी सब अवेलेबल थे वही कैप्स का ट्रेंड तो हर कोई ही लाइक पहन लेता है कैप्स तो कैप में भी इनके पास हर साइज़ का कलेक्शन था हंड वन ट्वेंटी रुपीज़ में टेन पीसेस यानी कि ट्वेल्व रुपीज़ पर पीस के हिसाब से यहाँ पे कैप मिल रही थी क्रिसमस वाली एंड इसके अलावा क्रिसमस से रिलेटेड बहुत स्टफ था इनके पास बैलून्स भी थे जो कि रेगुलर बेसिस पे देते हैं तो बैलूनस में डिफरेंट डिफरेंट कलर के पैक्स थे तो ये वाला जो पैके सिक्सटी रुपीज़ में हंड्रेड पीसेस था और अलग अलग तरह के लाइक डिज़ाइंस थे कलर्स थे पूरा गोल्डन था तो ये वाले जो स्टॉल्स होते हैं ना बैलून वाले वो तो आपको रेगुलर भी मिल जाएंगे लेकिन ये क्रिसमस वाला जो स्टॉल्स थे वो बहुत कम ही जगह थे कम क्या सिर्फ एक या दो ही जगह पे ये वाले स्टॉल्स थे बस तो जहाँ पे थे वो वाला आपको कवर करके दिखाया है। और अगर आप ये बैलून लेते हो तो वन फिफ्टी रुपीज़ का ये फॉयल है इसके अंदर एच बी है स्टार्स है बैलूनस है सिर्फ वन फिफ्टी रुपीज़ में आपको ये पूरा पैक मिल रहा था जो आपके आपको बाहर मार्केट में थ्री फिफ्टी से कम नहीं मिलेगा तो बैलून्स के लिए तो आप सदर बाज़ार ज़रूर विज़िट कर सकते हो इससे आगे जब हम चले तो हमको ये वाला स्टॉल मिला क्लचर्स एंड ऑल का इनके पास सब तरह की क्लिप्स क्लचर्स हेयर बैंड ये सी वैसे तो ऐसी स्टॉल्स आपको पूरे मार्केट में बहुत सारी मिलेंगी बट मुझे इनके पास जो सामान था वो रीज़नेबल लगा एज वेल एज बहुत ही ज़्यादा लाइक दूर से ही अट्रैक्ट कर रही थी चीज़ें चाहे वो क्लचर हो एक हेयर बैंड हो कुछ भी हो सब चीज़ें बहुत अट्रैक्ट कर रही थी एंड के क्लिप्स बहुत सुंदर सुंदर थी जैसे कि आप देख सकते हो ये वाली वन ट्वेंटी रुपीज़ का पैक था इसमें तीन क्लिप्स थी और तीनों ही अगर आप किसी लाइक वेडिंग या उस परपज़ से लेते हो तो आप यूज़ कर सकते हो इसके बाद ये वाली क्लिप्स हर कॉमन है वन फिफ्टी रुपीज़ का पैक है इनमें फाइव टू सेवन क्लिप्स आती है एंड सबसे चीप ये वाली थी हंड्रेड रुपीज़ जो कि चीप क्वालिटी लग भी नहीं रही थी हंड्रेड रुपीज़ के अकॉर्डिंगली मुझे ये वाली क्वालिटी बहुत अच्छी लगी छोटे छोटे क्लचर्स थे वन ट्वेंटी रुपीज़ में ये पूरा पैक था और ये वाली चीज़ें वो हैं जो मुझे देख के दूर से लाइक अट्रैक्ट कर रही थी तो वेडिंग सीजन है तो हम क्लिप्स वगैरह लेते ही रहते हैं तो उनके पास इस चीज़ का बहुत अच्छा कलेक्शन है जैसे कि ट्वेंटी रुपीज़ में आपने वो देखा और सिक्सटी रुपीज़ में ये कॉम मिल रहा था जो कि हम जूड़े में लगाते हैं या कोई हेयर स्टाइल बनवाते हैं तो सिक्सटी रुपीज़ में आपका एक बहुत सुंदर हेयर स्टाइल इसकी हेल्प से बन सकता है वहीं नॉर्मल क्लचर्स हम लेते हैं तो ये हमको और मार्केट में लाइक फिफ्टी टू सिक्सटी रुपीज़ का पर पीस मिलता है बट यहाँ पे ये इजली लाइक ट्वेंटी थर्टी रुपीज़ में मिल रहा था और बिग क्लचर्स थे ब्लिक क्लचर्स थे कोरियन बता रहे थे कोरिया के हैं बाहर के हैं तो ये ब्रेक भी जल्दी नहीं होंगे तो यहाँ से आप लाइक एक पीस भी ले सकते हो और सारे पीस भी ले सकते हो तो क्रिसमस के एक या दो ही स्टॉल्स थे बस और इन्होंने वीडियो बनाने नहीं दिया था तो ये नहीं कवर कर पाए खैर उससे आगे बढ़े तो हमको ये फुल हेयर एसेसरी मिली जो कि हम लाइक ओपन हेयर्स में लगाते हैं और सिक्सटी रुपीस और सिक्सटी टू एटी रुपीज़ का पर एसेसरी था और ये लिटरली बहुत सुंदर थे मतलब आई डोंट थिंक ये वीडियो में तो पता लग रहा है लेकिन जब हमने सामने से देखा ना तो मोती वर्क हो गया या फिर कुछ भी हो गया गोल्डन सिल्वर सारे ही क्रिस्टल हो गया बहुत सुंदर सुंदर थे अब जैसे चाहोगे ना ये अपने उसमें से निकाल के भी दे, दे देंगे एंड एक दो स्टॉल्स और हैं ऐसे इसके आगे इन्हीं के साथ ही लाइक रिंग का भी कलेक्शन था रिंग का पर बॉक्स आप ले सकते हो कोई थ्री हंड्रेड रुपीज़ का बॉक्स था कोई फोर हंड्रेड वो डिपेंड करता है रिंग के हिसाब से यानी कि आप सिंगल भी ले सकते हो ट्वेंटी थर्टी रुपीज़ में तो इनका रिंग का कलेक्शन बहुत अच्छा लगा ये आपको मेन मार्केट में ही मिल जाएंगे बहुत ईजिली मिल जाएंगे कोई वो नहीं और ऐसे बहुत सारे स्टॉल्स हैं लाइक एक या दो नहीं ऐसे बहुत सारे स्टॉल्स थे जो कि कॉमन है यहाँ पे इसके बाद ये वाला स्टॉल सिर्फ मुझे एक ही मिला ये स्का्फ्स वगैरह सेल कर रहे थे और इनके जो स्काफ थे वो कहते इंपॉर्टेंट हैं और लाइक क्वालिटी अच्छी थी फिफ्टी रुपीस में दे रहे थे सिर्फ आप किसी ड्रेस के साथ कैरी करते हो या अलग अलग तरह ही करते हो तो वो अच्छे थे मैं मफलर इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि मोटे नहीं थे ये बहुत पतली क्वालिटी थी लेकिन विंटर में अगर आप ऐसे स्टाइल करते हो या सूट के साथ दुपट्टा के तौर पर लेते हो तो उसके लिए ये चीज़ बहुत अच्छी थी और ये कुछ हम जैसे पूरा एज अ दुपट्टा पूरा गला कवर करने के लिए थे ना राउंड में ये कुछ ऐसे था तो इनके चीज़ अच्छी थी टैग वगैरह लग रहे थे फाइव हंड्रेड रुपीज़ लिखा था बट मुझे लग नहीं रहा कि इतने का है वही हंड्रेड वन फिफ्टी वाली चीज़ थी जो कि फिफ्टी में दे रहे थे खैर जो लोग अभी यहाँ आने की सोच रहे हैं वो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना उसके बाद ही यहाँ पर विजिट करना आप ही के लिए हेल्पफुल है तो मैं अपना आज का संडे सदर बाज़ार का एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ आज का संडे सदर बाज़ार बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा वो रीज़न ये है कि आज हमारी वीडियो का टाइटल था क्रिसमस कलेक्शन पटरी बाज़ार में यानी कि संडे सदर बाज़ार में पटरी बाजार पे क्या क्रिसमस कलेक्शन है क्योंकि लोगों का ये मानना होता है कि पटरी बाजार पे हमको चीज़ें सस्ती मिलती है दुकानों से ज़्यादा तो मैं आपको ऑनस्टली बताती हूँ तो क्रिसमस या न्यू ईयर कलेक्शन कुछ भी नहीं लगा हुआ है सदर बाज़ार में पटरी मार्केट में सिर्फ एक या दो शॉप है जो कि आपको वीडियो में दिखाई गई है इसके अलावा और कोई शॉप नहीं है जो आपको क्रिसमस कलेक्शन दे रही है बाकी दुकानें वहाँ पे हैं बहुत सारी जो होलसेल रिटेल दोनों में डील करनी है जिनसे आप ले सकते हो आराम से तो अगर आपको दुकानों से ही लेना है सामान तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप संडे वाले दिन मत आओ क्योंकि संडे वाले दिन इंतहाई भीड़ होती है सदर बाज़ार में मतलब इतनी भीड़ होती है कि 9 और 10 बजे सुबह के आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी तो अगर आप कोई बाहर से दिल्ली के बाहर से वीडियो देख रहा है कोई होल ये वीडियो देख रहा है तो मैं सजेस्ट करूँगी पटरी मार्केट के चक्कर में मत पड़ना किसी भी शॉप से आप ले लो वहाँ पे बहुत सारी शॉप सेवन डेज ओपन रहती हैं आराम से आओ अपनी शॉपिंग करो क्रिसमस की और आप पाँच दस रुपये का ही डिफरेंस रहता है मेरे ख्याल से ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता लेकिन आप आराम से ले सकते हो क्योंकि संडे वाले दिन बहुत सारी चीज़ें होती है भीड़ बहुत होती है ठीक से आप परचेज नहीं कर पाओगे साथ में ही आपको चोरी होने का डर रहता है हर टाइप के लोग आते हैं तो इसलिए मैं ये वाली चीज़ आपको सजेस्ट करूँगी साथ में ये वीडियो छोटी इसलिए है क्योंकि बाकी और जो कलेक्शन था वो कुछ सब कुछ सेम ही था लाइक वही ज्वेलरी वही ईयर वही बैंगल्स कॉस्मेटिक सब कुछ तो अगर वीडियो का टाइटल क्रिसमस कलेक्शन था तो ऑन पॉइंट रखने के लिए हमने इस वीडियो को स्ट्रेस नहीं किया है बस आपको एक नॉलेज देने के लिए कि क्या कलेक्शन है क्या नहीं है उसके लिए ये वाली वीडियो बनाई गई है बाकी आप नॉर्मल शॉप विज़िट करो अगर आपको शॉप देखनी है तो मैंने यहाँ पे आई बटन पर अटैच कर दूँगी और इससे पहले वाली वीडियो आप देख सकते हो अगर आप वहाँ से चाहो तो वहाँ से भी आप अपना क्रिसमस का कलेक्शन ले सकते हो तो यही थे आज की वीडियो बाकी संडे सदर बाज़ार पूरा लगा हुआ है कोई नॉर्मल वैसे विज़िट करना चाहे तो कर सकता है बंद नहीं है बस क्रिसमस का कलेक्शन आपको ऐसा कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा तो मिलते हैं अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक भी कर देना अगर आपको वीडियो ये पसंद आई तो